नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। जहां चाह वहीं रहा, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नवादा जेल में बंद विचाराधीन कैदी सूरज कुमार ने। इन्होंने जेल में रहते हुए सेल्फ स्टडी की बदौलत आईआईटी जैम परीक्षा में ऑल इंडिया में 54वां रैंक लाया है। आपको बता दें कि सूरज कुमार पिछले 11 महीनों से हत्या मामले में जेल में बंद है। सूरज नवादा जिले के बारसलीगंज प्रखंड क्षेत्र के मौसम गांव का रहने वाला है। सूरज ने यह सफलता तत्कालीन जेल अधीक्षक अभिषेक पांडे की प्रेरणा से पाई है। नवादा में करीब 10 बजे नवादा रेलवे स्टेशन से दक्षिण एक पुल के पास गया हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजा गया है। बेगूसराय में बेखौफ चक्कों ने सीएसपी के सामने व्यवसायी के बाइक की डिक्की से 2,33,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के बखरी बाजार की है। वहीं घटना की शिकायत बखरी थाना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस सब बिंदुओं पर जांच कर रही है। दो लाख 33,000 रुपये निकाल के थोड़ी दूर के ग्रामीण बैंक के बगल में सीएससी से 1500 रुपये निकालने के क्रम में, उसके बाद 1500 रुपये निकाल के जब यहाँ गाड़ी के पास आए तो मेरा डिक्की टूटा हुआ था। 2,33,000 रुपये निकाल लिया। सहरसा के गोविंद शाह मार्केट में अवस्थित मोबाइल सिटी दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखे मोबाइल सहित नकदी की चोरी कर ली है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 60,000 रुपए दुकानदार द्वारा बताया गया है। वहीं इसकी जानकारी पीड़ित दुकानदार ने सदर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर चुकी है। क्या चोरी हुई है? स्मार्ट वॉच हुआ है, पावर बैंक हुआ है, एयरबड्स हुआ है, ब्लूटूथ हुआ है, नेकबैंड हुआ है, यही सब यानी एसोसरीज प्लस फीचर्स फोन हुआ है। अच्छा, तकरीबन कितने का सामान बताया जा रहा है? 50-60,000 रुपये। और सुबह में ये कब घटना घटी है? ये घटना 3:30 से 4:30 के बीच। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ? सीसीटीवी कैमरे में सारा कैद है। सीसीटीवी में उसका फेस भी आ रहा है, बस फेस पे मास्क लगाए हुए हैं, पहचान में नहीं आ रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक कुमार। दुकान मालिक? बेगूसराय के तेघरा अनुमंडल में तेघरा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें तेघरा बाजार स्थित जय माता दी तेल मिल में गहन जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के क्रम में मिल के अंदर एक यूपी नंबर के टैंकर में भारी मात्रा में खाद्य तेल बरामद किया गया। फिलहाल पूरे मिल को टैंकर सहित सील कर दिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर जो है खाद्य तेल का भंडारण और अपमिश्रण का कारोबार किया जा रहा है, तो सूचना पर हम लोग आए तो यहाँ पर अभी जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे एमओ और फूड इंस्पेक्टर जो हैं उनकी उपस्थिति में उनके द्वारा जो है सैंपल लिया गया है और यहाँ पर इनसे जो है स्टॉक रजिस्टर वगैरह की मांग की गई, जो उनके द्वारा नहीं दिखाया गया, इस कारण से सील किया जा रहा है और सील तब तक रहेगा जब तक सैंपल जांच में ये प्रमाणित नहीं हो जाता है कि ये मिलावटी है या नहीं। नालंदा में हाल के दिनों में एटीएम और बैंक लूट की घटना के बाद बैंकों की सुरक्षा को लेकर नगर थाने में बैंक के अधिकारियों और कर्मियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी, वरीय उप समाहर्ता गोपाल प्रसाद और एलडीएम रत्नाकर झा और नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शामिल हुए। इस मौके पर एटीएम और बैंक लूट का उद्भेदन करने पर डीएसपी और थाना अध्यक्ष को बैंक अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। बैंक के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ ये रेगुलर हम लोगों की मीटिंग होती है, जिसमें सुरक्षा के संबंध में विचार विमर्श होता है और जो पिछले जो मीटिंग होती है उसका फॉलो अप, और फिर इस बीच में जो कुछ घटनाएं जो सामने आती है उसमें बैंक के पदाधिकारियों, बैंक के कर्मियों, साथ साथ जो हमारे अनुसंधान में जो तथ्य आते हैं उस पर हम लोग परिचर्चा करते हैं ताकि बैंक से रिलेटेड घटनाएं कम हो, नहीं हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।